कल रांची जिला के नगड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक काफी संवेदनशील अपराधी घटना घटित हुई है, जिसके संबंध में प्रेस मीडिया के साथियों को ब्रीफ करने के लिए आज बुलाया गया है। मुख्य रूप से कल जो शाम में करीब 7:30-8 बजे के बीच में नगरी थाना क्षेत्र के जो दलादरी चौक जो एरिया है, वहां पर श्री सुभाष मुंडा, जो कि माकपा पार्टी के लीडर भी है, वो अपने जो उनका जो दुकान है उसमें बैठे हुए थे और उसी क्रम में 3 अपराधकर्मी वहां पर पहुंचे और उनके द्वारा जो है अंधाधुंध फायरिंग की गई। जो श्री सुभाष मुंडा थे उनको उनके परिजनों के द्वारा तत्काल जो है इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, परंतु दुर्भाग्यवश इस घटना में उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही घटना की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, तत्काल अपराधियों को पकड़ने के लिए जो आवश्यक कार्रवाई है, छापामारी की कार्रवाई है और जो नाका इत्यादि की कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा इनिशिएट की गई। इस घटना के पश्चात जो स्थानीय ग्रामीण थे और उनके जो समर्थक थे उनमें निश्चित रूप से एक रोष का वातावरण था और उसको लेकर विधि व्यवस्था की भी समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसे देखते हुए तत्काल सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी, जैसे कि वहां के जो पुलिस उपाधीक्षक है, पुलिस उपाधीक्षक रूरल, पुलिस अधीक्षक नगर वहां पे पहुंचे। उसके पश्चात स्थिति को काबू करने के लिए एसएसपी रांची, डीआईजी रांची और जोनल आईजी रांची ने वहां पे पहुंचकर स्थिति को संभाला और विधि व्यवस्था को सामान्य बनाए रखा। इस घटना के पश्चात घटना के संबंध में नगड़ी थाना कांड संख्या 133/23 जो कि धारा 302, 452, 34, 120 भादवी और 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया है। इस घटना की इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसमें शामिल अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए एक एसआईटी का गठन जो है किया गया है। ये एसआईटी मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में बनाई गई है और इस एसआईटी में 2 पुलिस उपाधीक्षक रैंक के पदाधिकारी, प्रवीण कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय रांची, श्रीमती यशोधरा पुलिस उपाधीक्षक साइबर क्राइम तथा 2 पुलिस निरीक्षक राजकुमार यादव और पुलिस निरीक्षक सपन कुमार महता जो कि रातू थाना प्रभारी है, और इसके अलावा 2 सब इंस्पेक्टर, 2 एएसआई और अन्य कर्मियों के साथ ये एसआईटी फॉर्म की गई है। एसआईटी ने अपना जो कार्य है इन्वेस्टिगेशन का वो प्रारंभ कर दिया गया है। इस पूरे घटना में की जांच में लापरवाही प्रतीत जहां हुई है उसमें थाना प्रभारी नगड़ी ओम प्रकाश टोको को कर्तव्य में लापरवाही के लिए और आपराधिक घटनाओं में रोकथाम में असफल होने के लिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और नए थाना प्रभारी की वहां नगड़ी में पोस्टिंग की गई है। नए थाना प्रभारी भी इस एसआईटी का पार्ट है और एसआईटी के द्वारा अभी पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और जो अन्य जो तकनीकी आसूचनाएं हैं उनका भी संकलन किया जा रहा है और उससे जो अपराधी थे, जो हत्यारे थे, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो अग्रतर कार्रवाई है वो की जा रही है। छापामारी की कार्रवाई कल रात से ही प्रारंभ हो गई थी, जिनका भी जो संदिग्ध जो एक्टिविटी पाई गई है या जिनके खिलाफ जो है संदेह व्यक्त किया गया, वैसे व्यक्तियों के खिलाफ लगातार छापामारी की कार्रवाई, ना केवल रांची में बट रांची से बाहर भी ये कार्रवाई लगातार
की जा रही है और पुलिस मुख्यालय के स्तर से और पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा ये सख्त निर्देश जो है एसएसपी रांची को और उनकी पूरी टीम को दिए हैं कि अविलंब जो है इस घटना का उद्भेदन किया जाए और इस घटना में शामिल जितने भी अपराधकर्मी हैं उन्हें अविलंब गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। पुलिस मुख्यालय के स्तर से भी पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है और जो दिशा निर्देश विगत दिनों में भी जो सरकार के स्तर पे और पुलिस मुख्यालय के स्तर पे दिए गए थे कि किसी भी प्रकार का कोई भी आपराधिक घटना पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने हेतु जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जाए, इसे पुनः जो है सभी पुलिस अधीक्षकों को भी बताया गया है और इस पर लगातार पुलिस मुख्यालय भी नजर रखे हुए हैं। जो सीनियर एसपी रांची है और डीआईजी रांची है इन्हें विशेष रूप से जो है निर्देश दिया गया है कि ये स्वयं जो है पूरे घटनाक्रम का मॉनिटरिंग करेंगे और जब तक इस घटना में शामिल अपराधकर्मी शामिल जो अपराधकर्मी है उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, घटना का उद्भेदन नहीं होता है, तब तक वो स्वयं जो है इस पूरे एसआईटी को गाइड करेंगे और इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो सुनिश्चित कराएंगे।